भगवती नगर में इस समय हंगामा है। हंगामा इस बात पर कि स्मार्ट मीटर जम्मू में नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं भगवती नगर के रहने वाले लोग हैं जिन लोगों ने प्लेकार्ड उठाए हुए हैं और प्लेकार्ड में लिखा हुआ है बिजली विभाग हाय हाय स्मार्ट मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर हटाओ जम्मू को बचाओ। ये महिलाएं हैं, महिला शक्ति भी यहां पर आई हुई है और नारेबाजी जबरदस्त चल रही है और मांग सिर्फ ये कि प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे। कल की प्रोटेस्ट करा तू मदर पे ना बिल बड़ा आंदा है। बिल कितना आंदा बड़ा असा दिस बजे ले आया ना लोका 10,000 रुपया 5 10,000 रुपया वाला महीने महीने का पा दे दो दो बजे तक महीने च पा दे। उनका बिल आया ना कोई सारा से कोई बिल नहीं आया अभी। अच्छा हां पता नहीं अखरे मारा बाकी लोके दा हां लोक सारी गलती सारे दा आई है। ते हुन तुस चाहने के अस अखने भी मीटर नहीं लगने चाहिए जेड़े मीटर पहले लगे होंगे होने चाहिए। अच्छा ए प्रीपेड नहीं लगने नहीं लगने चाहिए क्यों कोई बच्चा कमाने वाला है कोई नहीं है कमाने वाला मैं विधवा जनानी हूं। मीटर नवा लगे ना नहीं 8 जून की लगे ओ बिल नहीं आए अभी बिल ही नहीं आया तो तुम्हें क्या लगा जिसले बिल लाना बड़ा बिल तो आप सुन रहे हैं साफ तौर पर इनका ये कहना है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। स्मार्ट मीटर को क्या परेशान है। देखिए भाई साहब ऐसा है कि ये एक नकारात्मक सोच जो बिजली विभाग द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में चलाई गई है पब्लिक ने इसको स्वीकारा नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 4 सालों में इन्होंने हर साल एक शेड्यूल बना लिया है कि नए नए बिजली के मीटर जो है लोगों के ऊपर डाल देते हैं और पिछले मीटर भी तो ठीक चल रहे थे रीडिंग इन्हीं का मीटर रीडर आता था और रीडिंग नोट होती थी बकायदा हर महीने बिल आता था और लोग बिल दे रहे थे। अब इन्होंने पिछले 1 साल से बनाया था जो जो बिजली के बिल पेंडिंग है पिछले कुछ समय से वो बिल की इंस्टॉलमेंट्स लगी थी लोग वो भी दे रहे थे लेकिन अननेसेसरी जो इस समय समाज को जरूरत नहीं थी पहले ही कोरोना की मार से लोग जूझ रहे हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी और लोगों ने स्वीकारा भी नहीं है। जिस इंसान का बिल 1,000 से 2,000 आता था वो आज के समय में 6 से 7,000 आ रहा है। जिस इंसान का बिल 500 आता था वो 2 से 3,000 आ रहा है। दूसरी बात इन्होंने जो मीटर घर के अंदर लगे थे वो मीटर उठा के इन्होंने इतने बड़े बड़े पोल्स पे लगा दिए 10-10, 20-20 फुट की ऊंचाई पे। पहले इंसान अगर मीटर रीडर आता था तो वो अपनी वेरिफिकेशन के लिए अपने पास भी रीडिंग नोट रखते थे लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि इंसान जो है अपनी मीटर रीडिंग खुद भी देख नहीं सकता है। तो जब तक इंसान खुद भी रीडिंग नहीं देखेगा हमें क्या पता है कि वो मीटर किसका है और किसकी रीडिंग क्या चल रही है कैसे नहीं चल रही है। पिछले 3-4 साल में कितने बार आपके यहाँ मीटर बदला है। देखिए 4 से 5 बार और हर बार यही बताया गया है कि बिजली जो है आपकी 5 मिनट के लिए भी बंद नहीं होगी लेकिन बिजली जो है लगातार बंद होती है कटौती बढ़ोतरी होती जा रही है दिन ब दिन लेकिन बिजली कटौती में कोई कमी नहीं आई है लेकिन बिजली के बिलों में बढ़ोतरी आई है पिछले 4-5 सालों से लगातार और लोग परेशान है ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि बिजली का कट कितना है आपके इलाके में। देखिए कट तो इनकी अपनी मर्जी है ये चाहेंगे तो सुबह 6 बजे बंद करेंगे 10 बजे देंगे शाम को 5 बजे बंद करेंगे तो क्या पता पूरी रात नहीं देंगे। आज आपने भगवती नगर का ये रोड बंद किया हुआ है ये बेस कैंप है यहाँ पर आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा का तो इस समय आपने शाम के वक्त में बंद किया हुआ है कुछ कोई खास वजह इसके पीछे आप चाहते हैं प्रशासन के लोग यहाँ आए डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से कोई आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ आए। देखिए ऐसा है कि हमने पिछले 1-1.5 महीने से जब से ये यात्रा चल रही है हम सभी लोग जो थे परेशान थे रोज फोन आ रहे हैं कि ऐसा है वैसा है हमने सोचा कि बहुत सारी दुनिया इस टाइम पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आई है अच्छा मैसेज हम तरफ से नहीं जाना चाहिए लेकिन अब यात्रा लगभग खत्म है और जत्था जो है सुबह 3:30-4 बजे निकलता है तो हमने यही प्रयास किया सभी लोगों की यही एक चाहत थी कि हम शाम को ही घर से निकले ताकि बिजली विभाग और प्रशासन तक ये आवाज पहुंचाई जाए। तो आप स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। स्मार्ट मीटर भाई साहब नहीं लगने देंगे। आपके इलाके में कोई लगा स्मार्ट मीटर लग गए हैं लगे हुए हैं हम चाहते हैं वो उतार दिए जाए अगर नहीं उतारेंगे हमने 10 दिन पहले भी यहाँ प्रदर्शन किया तो हमने सरकार को यही एक हिदायत दी है अगर नहीं उतारेंगे तो हम लोग खुद तोड़ देंगे। मुझे बताइए आप स्मार्ट मीटर को प्रीपेड चाहते हैं या पोस्टपेड चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं भाई साहब स्मार्ट मीटर हम चाहते नहीं स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं चाहते ये स्मार्ट मीटर नहीं। आप यकीन मानेंगे जुनैद जी बच्चे जब छोटे होते थे क्लास में मैडम बोलती थी बच्चों डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट ये वही स्मार्ट मीटर है जिन्हें बार बार बोलना पड़ता है डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ये मीटर रीडिंग इतनी ज्यादा तेज चल रही है हमारे यहाँ ही एक स्थानीय निवासी है जिनकी मीटर 1 मीटर की रीडिंग थी 250 दूसरे मीटर रीडिंग आ रही है इनकी 500 साढ़े 500
अगर सिंपल सी बात है, एक अगर पहले मीटर पे रीडिंग इन्हीं का मीटर रीडर नोट करता था, अगर 1000 पे बिल आ रहा है तो 5000 कैसे आ रहा है दूसरे मिल पे? ये कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे? इनके पास जस्टिफिकेशन के लिए कोई बात नहीं है भाई साहब, कोई बात नहीं है इनके पास जस्टिफिकेशन के लिए। जी जी जी, देखिए पिछले दिनों ललित जी इंटरव्यू ले रहे थे एक्शन साहब का, इनको उन्होंने क्वेश्चन किया कि पहले मीटर पर अगर 2000 एक नंबर दिया, 2000 यूनिट आती थी, सॉरी 100 यूनिट आती थी, उसमें 2000 रुपया मंथली आता था, इसमें भी अगर 100 यूनिट आएगी तो इसका आता 10000 रुपया। और वो एक्शन साहब जो है वो संदीप जी, वो उसका जवाब दे ना पाए, लेकिन उनके साथ एक खड़े थे उनके सचिन कोई, वो कहते हैं देखो गर्मी कितनी है, उनको ये नहीं पता कि बंदा फिक्र दे रहा है, फिक्र पे गर्मी क्या करेगी, इस फिक्र पे ये कह रहे हैं कि फिक्र क्या है, वो फिक्र भी नहीं पता, कहते गर्मी कितनी है, उस मीटर का अंतर कितना है, कहाँ पे 2000 और कहाँ से 8000, 6000 का, ये गरीब जनता कहाँ, ये मजदूर बस्ती है सारी, सब मजदूर बस्ती है, कुछ औरतें लोगों का घर में काम करती हैं, कहाँ से पैसे देंगे ये लोग, पहले ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सुन सकते हैं साफ तौर पर इनका कहना स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, स्मार्ट मीटर का विरोध किस लिए, उसमें बिल ज्यादा आ रहा है या विभाग आपको समझाने में असफल हुआ है कि ये है क्या? देखिए सर ऐसा है, एक टाइम में लोग 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आता था, आज उसके आगे एक जीरो और लगे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों के पास 5000 से बिल ज्यादा कम नहीं आ रहा, लोग क्या करेंगे? लेकिन 4000 का बिल कितने महीने का? पता नहीं होना, महीने का होगा या मेरे ख्याल महीने का होगा, जान मेरा आया 20000 रुपए, मेरे खुद का 20000 रुपए हर बार, दो महीने 20000 तुंदा महीने का बिल 7000 महीने का आ रहा बिल, 7000 8 बिल आ रहा, 8000 कहाँ देंगे लोग, 2 महीने 6000 बिल आ रहा, 2 महीने 6000 सर, मैं 1 महीने 4000 आ रहा, 1 महीने 4000 रुपए बिल आ रहा, मैं खुद गया इंदे दफ्तर, मैं पूछने गया, मैं सर इं गल है, बाद में इन्हें कोई जवाब ना, कहता तुम अपने अर्थ चेक करो, अर्थ लाए जी के बंदे ने, मैं सुना डिपार्टमेंट ने उन्हें आपे, कांग्रेस टाइम पे हम पेंशन भी लेते थे, अब इतना पेंशन भी बंद कर दी है, आटे खत्म, कोई नहीं हमें पेंशन भी मिल रही, विधवा और बीपीएल ले फार्म सब पेंशन बंद कर दी मोदी ने, कोई वोट नहीं देगा मोदी, मनोज आना कहते हैं कि 14 प्रो रखने की अगर आप इज्जत रखते हो तो बिल क्यों नहीं दे सकते हो, 14 प्रो जिन्होंने रखे हैं तो वो टैक्स भी देते हैं, वो ऐसे नहीं रखते 14 प्रो, और ऐसे नहीं चेक करते देंगे, जिन्होंने पास है रिपोर्ट वो कैसे देंगे बिल, ऐसे थोड़ा ना 5G चलाते हैं, आप टैक्स देते हैं, हमारे चीज का टैक्स देते हैं, आप कपड़े का भी टैक्स देते हैं, तो किस चीज का मोदी मांग रहा है? देखिए सर मैं आपसे सीधा यही, आप शुक्रिया आपका, मैं आपसे सीधी यही बात करता हूँ, क्या पंजाब और दिल्ली में सरकार नहीं है, क्या वहाँ पे मीटर नहीं लगे हैं, वहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फेल है वहाँ पर, उन्होंने क्या किया है, मीटरों का कोई बिल नहीं, फ्री जीरो बिल आए वहाँ पर, माफ है ओल्ड एज को पेंशन दे रहे हैं, किराया दे रहे, चोरी करते हैं बिल तोड़ने के लिए, खुद उन्होंने झगड़ा करा, 12 मीटर मेरे मतलब खंभे के ऊपर लगाए हैं, मेरे घर के साथ हाथ जोड़ के बोला, कितने मीटर, कितने मीटर, 12 मीटर एक खंभे पे, मेरे साथ में घर है, खंभा मेरा टूटने वाला है, वो खंभा टूटने वाला, आए दिन कहीं हादसा होता है, कभी बिजली में इतना मतलब करंट आ जाता है, शॉर्ट आग लग जाती है सर वहाँ पर, 2-4 बंदों की डेथ भी हो चुकी है इसी बात से, घोड़े खत्म हो गए, भरेगा गवर्नमेंट जिम्मेवार है, मुझे लिख कर दे खंभे क्यों नहीं लगाए गए, पहले भी बिल आता था, अभी भी बिल आता है, ये मीटर क्यों लगाए, गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, महाराज 7 करोड़ रुपया खाधे दा निर्मल सिंह ने इन्हां कोलों रिश्वत दी, ते साडे ते भैं जो बोझ पा के चले गया, उन्नू भैं जो उन्नू फड़ो, हां जबरदस्ती कर रही है गवर्नमेंट, जबरदस्ती कर रही है गवर्नमेंट, मीटर भी लगाए और जबरदस्ती कर रही है गवर्नमेंट, कल तो गवर्नमेंट बोलेगी ये सारा मल्ला खाली कर दो, इनके मकानों में हम घुसा देते हैं भैया लोग, अब ये बोल रहे हैं मकानों पे टैक्स लगा, ये जो ये अभी टाइम चल रहे हैं ये उस टाइम बोल रहे, बोर्ड लेने से पहले बोल रहे हैं हाँ अच्छे दिन आएंगे, ये हमारे को अच्छे दिन दे रहे हैं, ये चाहते हैं जम्मू वाले मर जाए और यूपी वाले यही दिन आ जाए, बीजेपी बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी देने के लिए हम बीमार हो गए हैं बोल बोल के, मेरा बंदा नहीं है सिर पे, मुझे इन्होंने 12 मीटर लगाए, चोरी देते हैं, मैं उस दिन
की बोलियों को मार। तो आपने सुन लिया कि इनका क्या कहना है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जहां तक बिजली विभाग का ताल्लुक है, बिजली विभाग से बिजली विभाग को लेकर इनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्मार्ट मीटर हम लगने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब विभाग की विफलता है कि वो समझाने में असमर्थ हुआ इन तमाम लोगों को कि स्मार्ट मीटर क्या है या क्या मामला है। लेकिन पीछे आप देख सकते हैं कि लोग जबरदस्त इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग सिर्फ एक कि स्मार्ट मीटर हम लगने नहीं देंगे।